हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेकर सिग्नल। आज हम ऐसे चार स्टॉक देखने वाले जो आज के दिन में पॉजिटिवली यहाँ पे ब्रेकआउट दिए हैं और आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज के चार स्टॉक आपको मैं बताऊंगा जो कि ब्रेकआउट दिए है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको इसे 1 से 8 दिन तक होल्ड करना है, आपको लगभग 20-30% प्रॉफिट मिल सकता है। तो पहला स्टॉक है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं केयर रेटिंग लिमिटेड। 1 डे टाइम फ्रेम पे मैंने इसको ओपन किया है। इसको बाय करना है दोस्तों, CMP पे बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेवल ब्रेक होने के बाद नीचे करके ये स्टॉक अभी वापस अप ट्रेंड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो दोस्तों इसको CMP पे बाय कीजिए। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 694 का, 694, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 720 का। ये दो टारगेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो 720 के आसपास इसे क्लोज कर सकती है। यहाँ पे आके वापस वो नीचे करेक्शन के लिए आ सकते हैं। ये दो टारगेट के लिए आप इसे CMP पे बाय कीजिए। फर्स्ट स्टॉप लॉस इसका रहेगा 645 का। इसके बाद सेकंड स्टॉक यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे मिस्टर वेक्टर्स फूड, जो कि हमने इस लेवल पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बताया था। टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे हमने लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, वो ग्रुप पूरा फ्री है। हम डेली इसके अपडेट और आपके क्वेरीज को सॉल्व करते हैं उस ग्रुप पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस लेवल पे इस स्टॉक को बताया था। अब लगभग यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया इस स्टॉक ने और आप वापस यहाँ पे दोबारा रेडी हो रहा है एक फ्लैग पैटर्न बनाते हुए। फ्लैग पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्लैग पैटर्न इस लेवल पे फ्लैग पैटर्न बनाया इसने, ये देखिए, ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, बाय कीजिए। CMP पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 500 का। 500 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय कर सकते हैं आप CMP पे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 550 का, सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 600 का। ये दो टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को बाय कीजिए। स्टॉप लॉस अगर यूज़ करना है तो 500 का स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 550 का और सेकंड टारगेट 600 का। तो नेक्स्ट इसके बाद स्टॉक है दोस्तों यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये स्टॉक अप ट्रेंड जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे करेक्शन के बाद यहाँ पे इसने बाइंग आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट भी हुआ है आज के दिन में और एक सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनते हुए दिखा है। सपोर्ट के साथ इसको बाइंग चल रही है इसमें। अगर इसको बाय करना है तो CMP पे बाय कर सकते हैं आप। हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 1887 का रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है, तो वो टारगेट है हमारा 2030 का, और इसके बाद लास्ट टारगेट रहेगा 2130 का। स्टॉप लॉस अगर यूज़ करना है तो दोस्तों आज के कैंडल का ही स्टॉप लो जो कि रहेगा 1800 का स्टॉप लॉस आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस स्टॉक में 1800 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे बाय कीजिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1890, 2030 और 2130। ये तीन टारगेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों यहाँ पे ACC सीमेंट। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बाइंग चल रही है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम हुआ था। मोमेंटम लॉस होने के बाद यहाँ पे काफ़ी दोबारा वापस बाइंग चल रही है। CMP पे इसे बाय कीजिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1860, सेकंड टारगेट रहेगा 1920 और लास्ट टारगेट रहेगा 2020। मगर मैंने खुद इस स्टॉक को बाय किया है, मैं इस टारगेट के लिए इसको होल्ड करूंगा 1900 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे 1770 का स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के चार स्टॉक जो कि आने वाले वीक में आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं, 10-30% तक आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए।